इन्फ्लुएंस कैसे हो आप सब लोग। मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। मेरा नाम है पूजा खत्री और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। क्या मतलब समझते हैं हम लाइफ प्रोसेस से? कि लाइफ में होने वाले, लाइफ किसको कह रहे हैं? जो कि लिविंग है, और उसमें होने वाले प्रोसेसेस को हम क्या कह रहे हैं? लाइफ प्रोसेसेस कह रहे हैं। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स आर परफॉर्म अ वेरियस नंबर ऑफ एक्टिविटीज। क्या करते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि आपने देखा न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है। न्यूट्रिशन का मतलब डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे क्या हैं? द प्रोसेस हैं। ये जो प्रोसेस हैं ये क्यों हैं? देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, या फिर हम उसे कहें कुछ प्रोसेसेस को करने पड़ते हैं। और सर वो प्रोसेसेस होंगे तभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करेगा, तभी हम उसे कहेंगे कि या इट ही इज ही और शी और इट इज सर्वाइविंग समथिंग। सो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? कि ऐसे प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है और अपने आप को मेंटेन कर पाता है, उसे हम कहते हैं, क्या कह रहे हैं? लाइफ प्रोसेसेस कह रहे हैं। सो बेसिकली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट कहेंगे।
एनिमल्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनिमल्स एंड एज वेल एज प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट, ये सारे प्रोसेसेस क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है. नाउ ये जो जितने भी हमने एक्टिविटीज बताई है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि हम किसी को लिविंग तब कह सकते हैं कि जब वो ये सारे फंक्शंस को क्या करता हो, परफॉर्म करता हो. सो अब आप मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग, वो क्या सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है या नहीं करता है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या है बताइए. आप रिकॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कि वायरस है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, सोच के बताइए और पॉज कर लीजिए और सोच लीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है. देखिए वायरसेस जो हैं वो क्या करते हैं, वायरसेस में अगर हम देखिए कि वायरसेस ना तो रेस्पिरेशन करता है, ना तो डाइजेशन करता है, ना तो रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट. नाउ ग्रोथ डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन, उसमें ना तो वो सांस ले रहा है, ना तो ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, ना CO2 ले रहा एक्सक्रीट आउट कर रहा है, ना ही वो कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक कर रहा है और या फिर उसे कोई एक्सक्रीशन कर रहा है, तो उसमें कोई भी एज सच फंक्शन जो है वो वायरस परफॉर्म नहीं करता है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है, बट स्टिल ये नॉन लिविंग हम इसलिए कह रहे हैं कि इनमें से काफी सारे फंक्शंस को ये परफॉर्म नहीं करता, तो वी कैन से कि ये नॉन लिविंग है. एज वेल एज हम इसे लिविंग भी कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि ये मैं कह रही हूँ इसे लिविंग कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, वायरस जो है अपनी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है. जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो ये क्या वायरस है, कोरोना इस क्या है, वायरस का नाम है, और ये वायरस जो है इसको हम कंप्लीटली कहते हैं COVID-19. एंड आप मुझे बताइए कि क्या ये वायरस जो है लिविंग है कि नॉन लिविंग है. कुछ इसे कहते हैं नॉन लिविंग कहते हैं, कोई लिविंग कहता है, बताइए. सो इसका सिंपल सा सीधा सीधा आंसर है कि वायरस जो है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल के, जब आपने सेल पढ़ा होगा तब हमने पढ़ा होगा कि सिर्फ सेल थ्योरी पढ़ी थी, सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या थे, उसके एक्सेप्शंस में वायरस इज द मोस्ट एक्सेप्शन थिंग, क्योंकि वायरस ना तो लिविंग में आता है ना ही नॉन लिविंग में आता है. तो हम इसे कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. हम इसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये परफॉर्म तो करता है कुछ लिविंग प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, जैसे ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन कर रहा है. अब इसे नॉन लिविंग क्यों कह रहे हैं और लिविंग क्यों कह रहे हैं, देखो ये जब बॉडी के बाहर होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है, तब तो ये कैसा बिहेव करता है, नॉन लिविंग. ये कैसा बिहेव करता है, नॉन लिविंग. नॉन लिविंग का मतलब है ये कोई भी चीज परफॉर्म नहीं करता है, कोई भी एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, एक तरह से कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करता है. लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटर होते ही क्या करने लग जाता है, अपनी ग्रोथ करता है. क्या करता है, अपनी ग्रोथ करता है, ग्रोथ इन द सेंस रिप्रोडक्शन करेगा, नंबर ऑफ काम इसका नंबर बढ़ जाएगा. एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना कि मास्क लगा के रखिए, है ना, आप अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए. क्यों, अगर आपके हाथों पे लग गया, आप खुद के कपड़ों पे लग गया और वो कपड़े आपने यूज किए, आपने या फिर आपके हाथों पे कहीं से किसी से कॉन्टैक्ट हुआ, आपने मुंह पे लगाया, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा. तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा मास्क लगा के रखें, आप जब भी बाहर से आए तो अपने हाथों को, स्पेशली अपने हाथों को, क्योंकि हमारे हाथ ही मोस्ट ऐसे ये सबसे वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट जो होता है सब्सटेंस के साथ, चीजों के साथ इसका सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट होता है. दैट्स व्हाई हम हाथों को पहले धो लेते हैं. और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, ओनली प्रिकॉशन, प्रिकॉशन ही लेके हम अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं. सो ये तो था आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट नॉलेज अबाउट द वायरसेस. सो दिस इज द different thing.
केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उन केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस कह रहे हैं। नाउ हम जब पढ़ेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन तो यहां पर एक टर्म आएगा मेटाबॉलिज्म। क्या टर्म आएगा? मेटाबॉलिज्म। एक टर्म आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि केमिकल केमिकल प्लस एज वेल एज फिजिकल चेंजेस इन अ सेल। फिजिकल चेंजेस इन अ सेल इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल और फिजिकल चेंजेस इन अ सेल इज नोन और कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। यहां पर एक और टर्म हम देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या हो रहा है? केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो रहा है। सब्सटेंस बेसिकली केमिकल और फिजिकल चेंज किसके अंदर होगा? सेल के अंदर होगा। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? जब भी चेंज होगा सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है उनके अंदर केमिकल एंड फिजिकल चेंज होगा। सो यहां पर एक और टर्म है मेटाबोलाइट। ये टर्म्स आपकी कई बार आएंगे मेटाबोलाइट्स। नाउ व्हाट आर द मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट्स वो है कि जो सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस दैट अंडरगोस वेरियस चेंजेस। मेटाबोलाइट्स वो है ऐसे सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस को हम कह रहे हैं मेटाबोलाइट, जिनमें क्या हो रहा है? दैट अंडरगोस वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइट एंड मेटाबॉलिज्म में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की या फिर सेल के अंदर होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? बेसिकली मेटाबॉलिज्म। सो केमिकल रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, या तो सिंथेसिस होगा या तो क्या होगा? सिंथेसिस होगा यानी कि किसी चीज का बॉन्ड बनना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड या फिर ब्रेक डाउन होगा। तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो टूटेगा या जुड़ेगा, है ना? तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, ब्रेक डाउन। ये फिजिकल चेंजेस हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस के अंदर आ जाता है टेम्परेचर आ जाता है आपकी और पीएच लेवल आ जाता है कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर है, है ना? जैसे कि उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी हो रही है, कोलाइड हो रहा है, वाटर हो रहा है, सॉलिड हो रहा है या सॉल्यूशन है, ये क्या है? फिजिकल चेंजेस है किसी ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स के में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके बात कर रहे हैं हम, ठीक है? अब देखो यहाँ पर अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हम देखेंगे। तो देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? केमिकल और फिजिकल चेंजेस। तो उसके अंदर दो पाथवे होते हैं। क्या होते हैं? जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म में दो पाथवे होते हैं और उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। हम उसे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? मेटाबॉलिक पाथवे कह रहे हैं। मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर दो पाथवे होते हैं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है? तो क्या है मेटाबॉलिक पाथवे? दो पाथवे हैं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। अब ये एनाबॉलिक पाथवे क्या है? एनाबॉलिक पाथवे का मतलब ये है कि बायोसिंथेसिस ऑफ, यहां पर क्या हो रहा है? बायोसिंथेसिस ऑफ
प्रोटीन सिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, हम इसे कह सकते हैं कोई बॉन्ड बन रहा है, फॉर्मेशन ही कह सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन ही इसे हम कहेंगे, ठीक है। सो बायोसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, क्या हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन को हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। आगे बात, क्योंकि प्रोटीन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब्सटेंस है, ठीक है। और यहां पर एनाबॉलिज्म में सिंपल से क्या बनता है, सिंपल सब्सटेंस एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है सिंथेसिस के अंदर। आगे बात समझ में, एनाबॉलिक क्या है, किसी भी का बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है। लिविंग सिस्टम किसे कह रहे हैं, सेल के अंदर, सेल के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं एनाबॉलिक पाथवे के अंदर, उसमें क्या बन रहा है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है, जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, सिंपल स्ट्रक्चर से ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे पे जो प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, क्या कह रहे हैं, एनाबॉलिज्म। आगे बात समझ में, ये जो प्रोसेस है एनाबॉलिज्म, ये कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है, कैसा होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है, एंडोथर्मिक का मतलब है कि इट यूटिलाइज द एनर्जी, क्या करता है, यूटिलाइज द एनर्जी टू मेक टू सिंथेसिस, ओके। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है, यूटिलाइज द एनर्जी, एनर्जी को यूटिलाइज करता है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं एंडोथर्मिक। किसी चीज को बनाने के लिए हमें कुछ एनर्जी का इनपुट डालना पड़ता है, है ना, हमें एनर्जी, चाय बनानी है, खाना बनाना है, तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी। जैसे कि प्लांट है, प्लांट जब अपना फूड बनाते हैं तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो एनर्जी सनलाइट से लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी उसे हम कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे में क्या हो रहा है, बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेसिस वहां पे हो रहा है, इसीलिए बायोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सो अब यहां पर हम बात करते हैं कैटाबॉलिक पाथवे की, बात करते हैं कैटाबॉलिक पाथवे क्या है बच्चों, कैटाबॉलिक पाथवे ये है कि ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस, ब्रेकडाउन ऑफ एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ब्रेकडाउन ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसे हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक से मतलब हमें है ब्रेकडाउन, ओके। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, क्या कह रहे हैं हम इसे, कैटाबॉलिज्म। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, बॉन्ड्स का ब्रेक होता है, यहां पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, क्योंकि हमने यहां पर जब हमने एनर्जी इन्वेस्ट किया था किसी चीज को बनाने में, तो जब हम उसे वापस तोड़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक करने पर क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज होती है। तोड़ने के लिए तो एनर्जी, तोड़ने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, लेकिन तोड़ने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। सो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है और उसे हम कहते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब यही तो होता है, एक्सो मतलब बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एग्जिट हो रही है। सो एक्सोथर्मिक इसे हम रिएक्शन कहते हैं। ब्रेकडाउन जो होता है, ब्रेकडाउन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने लिए, फिजिक जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन सब को करने के लिए, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वी नीड सम एनर्जी, और एनर्जी हमको ब्रेकडाउन से ही मिलती है, और वो ब्रेकडाउन में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक।
रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। आ रही है बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है। आ रही है बात समझ में? सो ये था हमारा मेटाबॉलिक पाथवे। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेसेस हमने पढ़ लिए थे, एक बार और देख लेते हैं कि प्रोसेसेस तो मैंने क्या बताई दिए। प्रोसेसेस कौन से हैं? लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन आ जाएगा, रिप्रोडक्शन आ जाएगा, रेस्पिरेशन आ जाएगा, है ना, एक्सक्रीशन आ जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, एज वेल एज मूवमेंट एंड लोकेशन। ठीक है, लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो है, दीज ऑल आर द प्रोसेस ऑफ लाइफ। इसीलिए हम कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ लाइफ कह रहे हैं। और उस प्रोसेस ऑफ लाइफ में बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू टाइप्स की होती हैं, दो पाथवे में चलती हैं। एक पाथवे है एनाबॉलिक, दूसरा पाथवे है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक के अंदर हमेशा सिंथेसिस होता रहता है। हमेशा क्या होता है, सिंथेसिस। जैसे आपको विटामिन डी, हम कहते हैं विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, विटामिन डी हमारा बॉडी खुद बनाता है, तो उसे हम कहते हैं सिंथेसिस प्रोसेस कहेंगे। अब जैसे हम खाना खाते हैं, फूड डाइजेस्ट, हम जो फूड लेते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, उस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके हम उसे यूज करते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम खाना लेते हैं, डाइजेस्ट होता है और अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज को हम यूटिलाइज करते हैं टू मेक सम एनर्जी फॉर द एक्टिविटीज, फॉर द सर्वाइवल। सो ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड गिव्स, दैट गिव्स द एनर्जी टू द सेल्स। सो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट इज द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब है, हिंदी में कहें तो पोषण कह सकते हो। हमें पालन पोषण किया जाता है किसी बच्चे का, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे का पालन पोषण करते हैं, तो उसे क्या कह रहे हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेस का मतलब आपको अगर सर्वाइव करना है, आपको जिंदा रहना है, तो आपको क्या चीज़ चाहिए। इंसान आज क्या करता है जिंदा रहने के लिए, आपको सस्टेन रहना है, आपको एक्टिविटीज करनी है, आपको खेलना कूदना सब कुछ करना है, तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हम कहाँ से मिलेगी, हमें हमें मिलती है वो खाना खाने से, है ना। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको इनटेक करने से हमें कुछ एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, जिनको इनटेक करने से हमें एनर्जी मिलती है, उसे, उन सब्सटेंस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन कह रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म, बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, बाय द ऑर्गेनिज्म for various किसके लिए कर रहे हैं हम, utilize कर
सो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन. सो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए बायोलॉजिकल प्रोसेस को रन करने के लिए. बायोलॉजिकल जितने भी प्रोसेसेस हैं उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए. एंड इस प्रोसेस को हम पूरे कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. सो यहां पर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यहां पर बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को कैसे इंटेक कर रहा है, ठीक है, फूड को कैसे ऑब्टेन कर रहा है, फूड को ऑब्टेन करने का मोड उसका कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये टू टाइप्स का होता है. द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक? ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक होने वाला, है ना. ऑटोमेटिक का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दो न्यूट्रिशन के टाइप है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें फूड ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर द फूड इटसेल्फ, जब वो अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है. ऑटोट्रॉप्स क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है? जब वो खुद अपना न्यूट्रिशन बना रहे हैं, खुद अपना फूड बना रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स. क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स को कह रहे हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक मूवमेंट न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. ऐसे एग्जाम्पल कौन से हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लांट. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. दैट मींस कि वो अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है. प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो कि क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. आ रही है बात समझ में? प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ओके. सो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? जो अपना खाना खुद बनाते हैं. हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? हेटरोट्रॉपिक का मतलब ये है कि ऑब्टेन देयर फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड और डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. अब किसी अदर ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने फूड को किससे ले रहे हैं? अदर ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं. जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वो सारे के सारे क्या है? हेटरोट्रॉप्स. सो बेसिकली यहाँ पर क्या मतलब है? ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स क्या है? खुद खाना खुद के लिए बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं. खाना कैसे खुद बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हम उन पर डिपेंड होते हैं. जितने भी एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल्स पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं. तो यानी कि हेटरोट्रॉपिक्स में आपके एग्जाम्पल हो गए एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, ठीक है. और इनको हम कहते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स इन ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉप्स कहेंगे. अब यहाँ पर हम देखेंगे हेटरोट्रॉप्स जो है वो थ्री टाइप का होता है. हेटरोट्रॉपिक जो प्रोसेस है, हेटरोट्रॉपिक जो है कितने टाइप का हो रहा है? ये तीन, अगेन इंपॉर्टेंट, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट कैटेगरी इज द होलोजोइक. द फर्स्ट कैटेगरी
क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है, कंप्लीट फूड, कंप्लीट होलो फूड जो होता है सॉलिड फॉर्म में, उसे क्या किया जाता है बॉडी के अंदर वो इनटेक करते हैं। फूड कैसे ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में वो कंप्लीट फूड को इनटेक करते हैं, उसे हम कह रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड ही लेते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें पूरा डाइजेशन हमें देखने को मिलता है, डाइजेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। डाइजेशन जो कि डाइजेशन कहाँ हो रहा है, ये डाइजेशन हो रहा है इनसाइड द बॉडी। इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर वो खा रहा है, जैसे हम एनिमल्स में सारे कैसे हैं होलोजोइक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं कि हम कंप्लीट, हम हाइपरट्रॉफिक है, हाइपरट्रॉफिक के अलावा क्या है होलोजोइक, कंप्लीट फूड को लेते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट ले लिया हमने, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो भी वो एक क्या है होलोजोइक फूड ले रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड ले रहा है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। अब देखो सैक्रोफाइटिक क्या है, सैक्रोफाइटिक का मतलब ये है कि ऑप्टेन देयर फूड, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम डिके और डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सैप्रोफाइटिक का मतलब ये है रॉटन फीडर। सैप्रोफाइटिक का अगर हम सिंपल मीनिंग निकाले तो है रॉटन, रॉटन यानी गला सड़ा गला फीडर। तो बेसिकली सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे कि कोई डेड एनिमल डेड प्लांट्स पार्ट को क्या करते हैं, वो डेड जो डेड मटेरियल है चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, डेड मटेरियल से अपना फूड को क्या करते हैं अपटेक करते हैं। अब यहाँ पर फूड अपटेक करने का जो प्रोसेस है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन जो है बेसिकली आउट ऑफ द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी होता है, क्या हो रहा है आउटसाइड द आउटसाइड बॉडी। आउटसाइड बॉडी का मतलब ये है कि सबसे पहले हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया फंजाई क्या करते हैं कि अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम जो सड़ा गला पेड़ पौधा या कोई एनिमल है प्लांट या एनिमल पार्ट है उस पे अपना डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर उस पे डालते हैं और वहीं पर क्या होता है कि वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वो उसको क्या करते हैं अपटेक करते हैं। बैक्टीरिया फंजाई क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर नहीं करते हैं, ये आउटसाइड द बॉडी प्रोसेस है, ये क्या करते हैं कि अपने एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं एंड बाहर जब वो जो डिकेड प्रोडक्ट है डिकेड सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वो उसको सिंपल फॉर्म को क्या करते हैं अपटेक करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक, है ना। और ऐसे एनिमल्स कौन से, ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये दोनों ही क्या करते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं पैरासिटिक, पैरासिटिक का क्या मतलब है, पैरासिटिक का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंड्स ऑन अदर अदर ऑर्गेनिज्म, क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या करता है डिपेंड रहता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या हो रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या कर रहा है डिपेंड हो रहा है, और ऐसा पैरासिटिक मूवमेंट, ऐसा पैरासिटिक जो होता है जनरली हार्मफुल होता है। कैसा होता है, हार्मफुल होता है क्योंकि इसमें नुकसान ही होता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे यहाँ पर एग्जाम है टेप वर्म,
टेप वर्म आपने नाम कभी सुना होगा, टीन या स्कोरियन को हम कहते हैं टेप वर्म। और ये टेप वर्म क्या होता है, बेसिकली इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन में रहने पर ये वहां से क्या करता है, इंटेस्टाइन से क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करता है, खुद को खुद वहां से न्यूट्रिशन लेता है। और नुकसान होता है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है कुछ सब्सटेंस की इस बॉडी के अंदर। सो अभी हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना समझना है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, वो जिसे हम क्या कह रहे हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, ये कुछ एग्जाम्पल है पैरासिटिक मोड के, ठीक है, लिवर को भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है पैरासिटिक का। सो यहाँ पर अभी हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो देखे, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक के भी हमने थ्री टाइप्स देख लिए कि होमोलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड द पैरासिटिक, ओके। एंड ये हमारा ये कंप्लीट हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड हैबिट, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ किया है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड हैबिट, फूड हैबिट क्या होगी, फूड हैबिट वो है कि फूड वो कौन सा ले रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पर हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। पहला है हर्बीवोर, हर्बीवोर्स, सेकंड इज द कार्निवोर्स, एंड थर्ड कैटेगरी इज ओमनीवोर। हर्बी का मतलब है हर्ब्स, जो ओनली किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स, वेजिटेटर, वेजिटेबल्स, प्लांट्स पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं, जो कि वेजिटेरियन जिसे हम कहते हैं, हम कहते हैं ना वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का मतलब है जो ओनली और ओनली प्लांट्स पर डिपेंड हो और उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड हो, तो हम उसे कहते हैं हर्बीवोर्स कहते हैं। एंड हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल जैसे हर्बीवोर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि गौर काओ, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, गॉड काओ डियर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हर्बीवोर्स के अंदर। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, जो अपने फूड में केवल एनिमल, अदर एनिमल्स को ऑप्टेन करते हैं, क्या करते हैं, एज अ फूड वो अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, मांस पर डिपेंड रहते हैं। फ्लैश, अगर एनिमल फ्लैश जिसको हम कहते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल टाइगर, लायन, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो कार्निवोर्स क्या है, जो किस पर डिपेंड है, एनिमल, अदर एनिमल फ्लैश पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर जो होते हैं, जो कि दोनों ही टाइप का फूड लेते हैं, दोनों ही, यानी कि जो हर भी लेते हैं प्लांट्स एंड अदर फ्लैश भी लेते हैं, ठीक है, हर्ब्स भी लेते हैं फ्लैश भी लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस जो हैं वो कैसे होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, वो होते हैं ओमनीवोर्स होते हैं, जैसे कि क्रो है ये भी ओमनीवोर्स है, पिग है ये भी ओमनीवोर्स है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे डॉग है वो भी किस टाइप का है, ओमनीवोर्स टाइप का है, ठीक है। तो ये थ्री मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑन द बेसिस ऑफ फूड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे इसे, हम कहेंगे ऑर्गेनिजम्स को हमने फूड हैबिट के बेसिस पर हमने डिवाइड किया है थ्री कैटेगरीज में, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर्स। सो अब हम पढ़ेंगे एक, अब हम एक्चुअली हम पढ़ने
पढ़ाया है न्यूट्रिशन एंड यूनिसेलुलर न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा है? उसका न्यूट्रिशन है कोलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। कैसा न्यूट्रिशन है? कोलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि वो कंप्लीट सॉलिड फूड को क्या करती है? इंटेक करती है, ठीक है। और कैसा है? ओमनीवोर है। कैसा इसका फूड हैबिट कैसी है? ये ओमनीवोर है। ओमनीवोर का मतलब है कि ये वेजिटेटिव पार्ट भी लेती है और एनिमल अदर एनिमल्स का भी क्या रहती है, अपने एज अ फूड वो इंटेक कर सकता है, ठीक है। एंड ये अपने फूड में क्या क्या लेता है? ये अपने फूड में लेता है, ये अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कुछ डायटम्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, डायटम्स बैक्टीरिया हो गया, एज वेल एज कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, बैक्टीरिया, डायटम्स, फंजाई, एज वेल एज कुछ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को भी क्या कर सकता है? इनटेक कर सकता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। सो इसका फूड क्या है? इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक डायटम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है ये एज अ फूड अमीबा का होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर मैकेनिज्म देखना है। इसके मैकेनिज्म को हम बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, हमें ज्यादा इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। जो सिंपल सा मैकेनिज्म है वो क्या है? इसके मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे इंजेशन, इंजेशन, उसके बाद आ जाएगा डाइजेशन, उसके बाद आ जाएगा एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, एंडिजेशन। क्या है? इजेशन। तो ये इसके मैकेनिज्म में हम चार स्टेप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये